नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ देते रहे। दोस्तों, आईपीएल का 12वां सीजन अब खत्म हो चुका है, मुंबई इंडियंस चैंपियन बन चुकी है। अब पूरे देश की नज़र होगी वर्ल्ड कप पर, जिसका आगाज 30 मई से इंग्लैंड में हो रहा है। वैसे तो भारत के पास वर्ल्ड कप के लिए कई मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम विराट कोहली है। हालांकि आईपीएल खत्म होते होते अब ये साफ हो गया है कि इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया विराट कोहली के भरोसे नहीं खेलने वाली है। इस टीम का हर खिलाड़ी रंग में है और अपने दम पर मैच जिताने का दम रखता है। दोस्तों, रोहित शर्मा को छोड़ दे तो इंडियन प्रीमियर लीग में भारत के सभी टॉप खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं। केएल राहुल ने आईपीएल में 593 रन ठोके, शिखर धवन के बल्ले से 521 रन निकले। रोहित शर्मा का बल्ला रंग में नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने भी दो अर्धशतकों की मदद से 405 रन बनाए। दोस्तों, भले ही रोहित शर्मा का बल्ला आईपीएल में खामोश रहा हो, लेकिन जब बात आती है ओडीआई फॉर्मेट की तो रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। वो कभी भी मैच को जिताने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए टीम इंडिया को भी उनसे वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। वहीं दोस्तों, बात करें मिडिल ऑर्डर की तो एमएस धोनी और हार्दिक पांड्या भी तूफानी फॉर्म में दिखे हैं। पांड्या ने लगभग 44 की औसत से 402 रन बनाए, तो वहीं धोनी ने 83 की औसत से 416 रन बनाए। दोस्तों, टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी मिडिल ऑर्डर ही माना जा रहा था, लेकिन धोनी और पांड्या के फॉर्म में आने से ये समस्या भी दूर होती दिख रही है। ऐसे में वर्ल्ड कप में भी अगर धोनी और पांड्या अपना ये फॉर्म जारी रखते हैं तो टीम इंडिया को जीतने से रोकना आसान नहीं होगा। दोस्तों, टीम के पास एक टेंशन 4 नंबर को लेकर भी है, जहां विजय शंकर को इस पोजीशन पर देखा जा रहा है, लेकिन उनका प्रदर्शन भी आईपीएल में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। लेकिन उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें 4 नंबर पर अगर खेलने का मौका मिलता है तो क्या वो अपने आप को साबित कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आईपीएल में टीम इंडिया के बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने 16 मैच में 19 विकेट लिए हैं, मोहम्मद शमी ने भी 19 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 18 विकेट लिए हैं और भुवनेश्वर कुमार ने 13 विकेट लिए। लेकिन दोस्तों, कुलदीप यादव का फॉर्म टीम इंडिया के लिए एक समस्या ज़रूर है, जिन्होंने इस आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है और इसलिए उन्हें केकेआर के टीम ने भी ड्रॉप कर दिया था। दोस्तों, कुलदीप इस आईपीएल में काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे और उन्हें भी विकेट नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, ओडीआई वर्ल्ड कप एक अलग फॉर्मेट है, इसमें 50 ओवरों का खेल होता है और हम सभी यही उम्मीद करेंगे कि कुलदीप यादव अपना योगदान अच्छा दे टीम इंडिया के लिए। तो दोस्तों, साफ है कि टीम इंडिया के सभी अहम खिलाड़ियों ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में दबाव भरे लम्हों में खुद को साबित किया है। उम्मीद ये है कि अब टीम इंडिया के ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी अपना बेस्ट प्रदर्शन देंगे और टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।